नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्कॉलर्स क्लासेस महाराजगंज के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। और आज हम लोग कंप्लीट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन करेंगे इन वन क्लास। स्पेशली वी आर कलेक्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड। देखिए, वैसे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा संभावना रहेगी कि आपके प्रश्नों के गलत होने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस। क्लियर? सीक्वेंस का मतलब होता है कि जब हम कुछ नंबर्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं, जो किसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 1/n इज रिप्रेजेंटिंग ए सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब यह है कि हमने एक नंबर ऑफ सीरीज को डिफाइन किया 1/n के फॉर्म में। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इस तरीके से हमको एक सेट पैटर्न मिलेगा जिसको हम सीक्वेंस कहेंगे। क्लियर? अच्छा, अब ये सीक्वेंस या सीरीज जो होता है अलग अलग रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, और उन रूल्स के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर? और कई बार इनका मिला जुला एक करेक्टर होता है जिसको मिसलेनियस मिसलेनियस सीरीज भी कहा जाता है। क्लियर? तो अब हम लोग आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। मान लो बच्चों, हमने कुछ नंबर्स को लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप ध्यान से देखो, इन नंबर्स को जब हमने लिखा है तो आप देखो ध्यान से कि अगर कंजुगेटिव टर्म्स हम लेते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस देखिएगा। 2 और 4 का डिफरेंस कितना है? 2। 4 और 6 का डिफरेंस कितना है? 2। 6 और 8 का डिफरेंस कितना है? 2। 8 और 10 का डिफरेंस कितना है? 2। यानी कि इस सीरीज में जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है, या डिफरेंस क्या है हमारा? कॉमन है। यानी कि प्रत्येक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो कहा जाता है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है उसको एपी या अरिथमेटिक सीरीज कहा जाता है। उसको एपी या अरिथमेटिक सीरीज कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, अब अरिथमेटिक सीरीज में कुछ टर्म्स को हमें याद रखना है। मान लीजिए हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यही वाला लिया, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 लिखा हुआ है। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म होता है उसको हम ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है, कोई भी सवाल आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो उसमें जो फर्स्ट टर्म आपको लिखना होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसको आप ए से लिखेगा। अच्छा, जो डिफरेंस आपको मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे 4 माइनस 2 का डिफरेंस 2 है, 6 माइनस 4 का डिफरेंस 2 है, 8 माइनस 6 का डिफरेंस 2 है, ये जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है इस कॉमन डिफरेंस को हम नाम देंगे डी से। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस को नाम देंगे किससे? डी से। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने टर्म्स होंगे उनको कहा जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। और साथ ही साथ किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे यल से। और उसका जो लास्ट टर्म होगा उसको अगर हम यनथ टर्म कहते हैं, यानी कि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स केवल यन ही टर्म्स उसमें अगर है, तो एनवा टर्म ही उसका लास्ट टर्म भी कहा जाता है। ठीक है, एनथ टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म। तो यहाँ पे एनथ टर्म को हम कई बार टी एन से, कई किताबों में इसको ए एन से भी लिखा हुआ है। तो जो आपको समझ में आए
यू कैन यूज इट, यू कैन यूज आइदर टी एन और ए एन, क्लियर है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब देखिएगा, तो आपने यहां पे अभी क्या समझा कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म किसको बोलेंगे, ए बोलेंगे, डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे, nth टर्म को क्या बोलेंगे, टी एन बोलेंगे, क्लियर है, या ए एन आप उसको बोल सकते हो। तो जब भी हम सवाल लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतनी सारी चीजों को पहचान करना होगा और उसको लिखना होगा, क्लियर है। अब आइए देखते हैं जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो देखो बच्चों, मान लिया कि लेट अस कंसीडर द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। मान लिया किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो आप टी वन बराबर क्या लिखा, आपने ए वन लिखा। सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं तो हमें सेकेंड टर्म मिलता है। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, अब थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर आप देखो, फर्स्ट टर्म है ए, ए को लिख सकते हैं वन माइनस वन इंटू टी, क्लियर। वन माइनस वन, वन माइनस वन जैसे पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो हमने इसको ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी लिखा। वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा डी, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक फॉर्मुलेशन के रूप में लिखा जा सके, क्लियर। फिर देखो ए प्लस डी है, ए प्लस डी को हम लिख सकते हैं ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, दूसरा है तो टू माइनस वन, पहला था तो वन माइनस वन। उसी तरह से देखो ए प्लस टू डी है, यहाँ पे ए प्लस टू डी है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, क्लियर है। ए प्लस थ्री डी है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, अब इसको दिमाग में सेट करो, पहला था तो वन माइनस वन इंटू डी, दूसरा था तो ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तीसरा टर्म था तो ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, चौथा टर्म था बच्चों तो ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी। तो अगर ये एनवा टर्म होता तो हम इसको क्या लिखते, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। यानी कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एन टर्म का फॉर्मूला होगा वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब इसको एक उदाहरण से हम क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए मान लो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3, 6, 9, 12 और कोई आपसे पूछता है कि इसका 15वां टर्म क्या होगा, 15 टर्म क्या होगा, तो 15 टर्म फार्मूले से क्या होगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि आपने पढ़ा है अनर टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसके हिसाब से 15 टर्म बराबर हो जाएगा a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर, a प्लस 14 इंटू डी। अब a की वैल्यू क्या है, तो मैंने आपको बोला कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा a होता है, ठीक, वैल्यू पुट कर दिया। d हमारा क्या है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, देखो हमेशा याद रखना कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ना कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि वहां पे माइनस का डिफरेंस आने लगेगा। तो d कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, छह में से तीन घटाएं कितना होगा, तीन होगा, तो तीन धन चौदह में से एक जाएगा तेरह गुणे तीन, तीन धन तेरह तियाई उनतालीस, नौ तीन बारह का दो हाथ में आए कितना हो जाएगा 42। यानी कि 3, 6, 9, 12 का जो 15 टर्म है वो हमारा कितना है 42 है। तो इस तरीके से किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम जितना भी टर्म चाहें उतना हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ इस्तेमाल स्टार्ट हो रहा है। एक बात याद रखिएगा कि अगर हम कहते हैं कि तीन टर्म ए बी सी हमारा एपी में है, तो ये एपी में कब होगा, इसकी पहचान क्या है, तो ये एपी में तब होगा जब इसके टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये होना चाहिए।
एबीसी अगर ए पी में है देन दिस इंप्लाइज दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। क्लियर है? तो उसी तरीके से कहीं पर भी अगर कुछ नंबर्स बच्चों एपी में दिया गया है तो हम उसको कंजिकेटिव टर्म्स को माइनस करेंगे और उनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो हम कह देंगे कि वो एपी में है। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों नंबर्स कुछ दिया गया है, 21 है, ए है, बी है और -3 है, ये किसमें है? एपी में कह रहा है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। क्लियर? तो पहले तीन टर्म को लेते हैं, अगर ये एपी में है तो आपके डिफिनेशन के हिसाब से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। क्लियर? या यहां से करेंगे 2a माइनस बी इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से लास्ट वाले तीन टर्म को लो बच्चों, a, b और -3 अगर ap में है तो a, b, -3 अगर ap में है तो उस कंडीशन में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो 2b माइनस ए बराबर हो जाएगा -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास बच्चों दो इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है, आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए ध्यान से सॉल्व कैसे करेंगे, आप दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 2b में से b माइनस हो जाएगा तो b बचेगा, 2a में से a माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, और 21 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 18 आएगा, कितना होगा 18 आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें वैल्यू निकालना था a प्लस बी, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 18। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है कि सबसे पहले हम इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चूज करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा सीरीज होगा जिसमें दो डिजिट होंगे और वो 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो दो डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10, 9 के बाद आता है 10, 10 से दो डिजिट स्टार्ट होता है। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा पहला नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होगा, तो पहला नंबर 3 से डिवाइड कौन होता है, 12 होगा, 12 के बाद अगला नंबर 15 होगा, 15 के बाद अगला कौन सा होगा 18 होगा, और लास्ट नंबर आप सोचो कि वह कौन सा लास्ट डिजिट नंबर है बच्चों जो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या है 99। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट टर्म इसका कितना हो गया 12, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 15 माइनस 12 बराबर 3, और लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म इसका क्या हो गया 99। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने टर्म्स हैं, तो मान लेंगे लेट अस कंसीडर देयर आर n टर्म्स। क्लियर है? तो n टर्म्स यानी nth टर्म इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 99 दिया हुआ है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। a की वैल्यू क्या लिखा आपने 12, n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या लिखा 3 इज इक्वल टू 99, एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 माइनस 12, या एन माइनस 1 बराबर 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, 3 से काटना चाहे काट दीजिए, बटा 3 दूना 6, 3 नवा 27, दिस इंप्लाइज एट एन इक्वल टू 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30 टर्म हो जाएगा। यानी कि कितने डिजिट्स हैं, कितने टू डिजिट्स नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं बच्चों, वो आपके टोटल नंबर्स कितने हैं 30 नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, फाइंड द नाइन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। देखो एक चीज होता है फॉर्मूला कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर लास्ट से कोई टर्म निकालना है, सपोज दैट लास्ट से निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट से आप निकालोगे तो फॉर्मूला लिखेंगे टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल क्या है यहाँ पे, एल आपका है लास्ट टर्म। क्लियर है? डी क्या है, डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है ये नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम लास्ट, अंतिम से किस नंबर के बारे में
पूछ रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो बच्चों, फॉर्मूले में लास्ट टर्म हमारा एल इक्वल टू कितना है 185, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, कितना होगा यहाँ पे 4 होगा। उसके बाद से लास्ट से कौवा टर्म पूछ रहा है हमसे, यानी एन इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, यहाँ 9, तो T9 यानी कि नाइन्थ टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू एल माइनस एल की वैल्यू 185 माइनस एन की वैल्यू 9 माइनस 1, डी की वैल्यू 4। क्लियर, 185 माइनस 9 में से एक जाएगा 8 घुड़े 4 बराबर 185 माइनस 32, 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा 5, कितना आएगा 153 इज द आंसर। क्लियर है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए ध्यान से। मान लो बच्चों कि लेट अस कंसीडर द फर्स्ट टर्म टर्म ऑफ एन एपी इज ए, कॉमन डिफरेंस इज टी एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज एन एंड देयर सम इज एस। मान लिया कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें आप देखिए ध्यान से कि फर्स्ट टर्म उसका ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपका एन है, और उन सभी का सम कितना है एस है। क्लियर है, तो एस का मतलब कि सबको जोड़ेंगे, पहला टर्म जोड़ा, पहले में दूसरे को जोड़ा, फिर हमने तीसरे को जोड़ा, ऐसे करके, और लास्ट टर्म भी मान लो, एंड द लास्ट टर्म इज एल। क्लियर, लास्ट टर्म क्या होगा एल, उसके पहले वाला क्या होगा एल माइनस डी, उसके पहले वाला क्या होगा एल माइनस टू डी। क्लियर है, अब क्या करो बच्चों, यहाँ पे लास्ट टर्म हमने एल माना है, फर्स्ट टर्म ए माना है, कॉमन डिफरेंस हमारा डी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा एन है, और उन सभी का सम यस है। देखो अगर हम इन टर्म्स को बदल दें, मतलब कि पहले टर्म को लास्ट की जगह पे लिखें, लास्ट सेकेंड लास्ट को सेकेंड 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 वाले को सेकेंड लास्ट लिखें, थर्ड वाले को थर्ड लास्ट लिखें, तो इसके सम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब बच्चों कि 2 धन 5 धन 7 करें या 7 धन 5 धन 2 करें, इसके सम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर इन टर्म्स के इस सम के टर्म्स को अगर हम चेंज कर दें तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, यानी एल प्लस एल माइनस डी एल माइनस टू डी डॉट डॉट, अभी लास्ट टर्म ए हो गया, इसके पहले वाला ए प्लस डी, उसके पहले वाला ए प्लस टू डी, अब इन सभी को ऐड कर दो, ऐड करिएगा, देखिएगा यस में यस जोड़ेंगे कितना होगा 2 यस, ए में एल को जोड़ेंगे ए प्लस एल, इसको इन दोनों को जोड़ेंगे डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस एल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा आपका ए प्लस एल, सबको जोड़ेंगे लास्ट में आइए ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल, यानी सभी टर्म्स को जोड़ेंगे तो मान हमारा कितना आएगा ए प्लस एल। क्लियर है, अब ये ए प्लस एल कितनी बार जोड़ा गया है, तो याद रखना कि हमने माना है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे एन है। तो अगर हम मान लो कि बच्चों कहीं 2 को अगर हमने 5 बार गुणा किया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 5। क्लियर है, तो ए प्लस एल को अगर हमने एन बार जोड़ा है, ए प्लस एल को हमने एन बार जोड़ा है, तो इसका मान कितना होगा एन इंटू ए प्लस एल। क्लियर है, तो यहाँ पे एस इक्वल टू क्या होगा एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। इसका मतलब ये है कि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, ए पता है और यल यानी कि लास्ट टर्म पता है, तो उसका हम सम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर है, अच्छा और लास्ट टर्म बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी सवाल में नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो जो यल होगा वही उसका लास्ट टर्म होगा जिसकी वैल्यू होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इट मीन्स दैट वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एल
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रख सकते हैं। तो आप इसको रख के चेक कर लो क्या होगा, एस बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस, और एल की जगह पे रखा हमने ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इम्प्लाइज दैट एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, अब हमारे पास सम ऑफ यन टर्म्स के दो फॉर्मूले हो गए, और उन दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे हमने नोट कर लिया। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए, पहला फॉर्मूला हमारा है एस बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यानी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म अगर पता है तो ये फॉर्मूला यूज करने का, और किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है और कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग क्वेश्चंस। क्लियर है? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द यन्ना टर्म ऑफ एन एपी इज ए बराबर टू एन प्लस वन। क्लियर? देखिए सोल्यूशन इसका, अक्सर पूछा जाता है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा टर्म दिया गया है और आपको सम ऑफ द सीरीज निकालना है। कई बार ये पूछा जाता है कि एनवा टर्म दिया गया है, तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका एनवा टर्म दिया गया है ए एन, ए एन इक्वल टू कितना दिया है, टू एन प्लस वन दिया है। ए एन इक्वल टू कितना दिया है, टू एन प्लस वन दिया है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसका पहला टर्म क्या होगा ए वन, तो ए एन की जगह पे वन रख देंगे, तो दो एक कम दो और एक तीन। दूसरा टर्म क्या होगा, एन की जगह पे दो रख देंगे, दो दूना चार और एक कितना हो गया, पांच। तीसरा क्या होगा, ए थ्री, तो तीन दूना छह और एक कितना हो गया, सात। चौथा टर्म क्या होगा, चार दूनी आठ और एक नौ। समझ में आ रहा है? यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमारा हो गया तीन, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, पांच माइनस तीन कितना हो जाएगा, दो। अभी आपको यहाँ पे सम ऑफ द सीरीज निकालना है, तो सम ऑफ द सीरीज निकालिएगा, सम ऑफ द सीरीज निकालिए यहाँ पे, तो एस एन बराबर कितना होगा, टू सॉरी एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो यहां पर हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स को क्या मानेंगे, यन ही मानेंगे। क्लियर है? और यन को ही लेकर के सवाल को सॉल्व करना है, तो एन बाई टू, टू इंटू ए, ए का मान कितना है थ्री, एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है टू, तो यह आपका होगा एन बाई टू इंटू सिक्स प्लस टू एन माइनस टू, या एन बाई टू इंटू टू एन, छह में से दो कितना होगा, चार। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। इसको और अगर सॉल्व करना चाहो बच्चों तो मल्टीप्लाई कर दो एन स्क्वायर प्लस टू एन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, उसको याद रखना है। देखो यहाँ पे इस सीरीज का एनवा टर्म था टू एन प्लस वन, और इसके एंड टर्म्स का सम हमने निकाला एन स्क्वायर प्लस टू एन। आपको इन दोनों में क्या कुछ रिलेशन नजर आ रहा है, तो सुनिएगा ध्यान से। हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है वो लीनियर होता है, हमेशा हमेशा लीनियर होता है। मतलब कि n का जो पावर होगा वो हमेशा वन होगा। अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा टर्म लिखा है और उसका पावर टू है, तो याद रखिएगा वो एनवा टर्म को कतई रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनथ टर्म हमेशा लीनियर होता है बच्चों। लेकिन किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम हमेशा क्वाड्रेटिक होता है, जैसे एन स्क्वायर प्लस टू, यानी एन का पावर कितना है, दो है, दो है। तो यहां से हम पहचान करेंगे किसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा टर्म का जो सम है वो कितना हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, एन का पावर क्या हो गया, टू हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। कई बार आपसे किसी अरिथमेटिक ऐसे यही सवाल है, मान लीजिए कह देता कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा टर्म एन टर्म का सम है एन स्क्वायर प्लस टू एन, एन स्क्वायर प्लस टू एन, तो इसका nth टर्म निकालिए। तो याद रखना है, इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम n टर्म के सम में से n माइनस वन टर्म का सम माइनस कर देंगे। अब आपके दिमाग में ये जो बात आनी चाहिए कि सर n टर्म का सम तो दिया है, क्लियर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो हम समझ में आ गया, लेकिन n माइनस वन टर्म का सम कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों,
एन टर्म का सम है एन स्क्वायर प्लस टू एन, तो एन माइनस वन टर्म्स का सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एन की जगह पर इसमें एन माइनस वन रख देंगे। क्या रख देंगे एन की जगह पे? एन माइनस वन, जहां जहां एन होता है उसकी जगह पे एन माइनस वन रख देंगे। तो देखो यस एन था एन स्क्वायर प्लस टू एन, हमने इसमें एन की जगह पे क्या रख दिया, एन माइनस वन रख दिया। क्या रख दिया? एन माइनस वन रख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बच्चों, ये हो गया एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन प्लस टू एन माइनस टू। क्लियर? टू एन से टू एन कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब nth टर्म बराबर हमने बताया आपको कि ये होता है sn माइनस sn माइनस वन। sn की वैल्यू लिखिएगा n स्क्वायर प्लस टू एन माइनस sn माइनस वन की वैल्यू आपने कितना निकाला है, n स्क्वायर माइनस वन प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, अब ये कट गया, कितना आ गया 2n प्लस वन। तो मैंने आपको बोला था कि हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होगा वो हमेशा लीनियर आएगा, और किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। अच्छा, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर n टर्म्स का सम दिया गया है तो उसका nवां टर्म कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें दिया गया रहता है sn, sn की मदद से हम निकालेंगे sn माइनस वन, फिर दोनों को माइनस करके हम निकाल लेंगे tn। ठीक है, क्लियर है? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, the ninth term of an AP is equal to, याद रखना बच्चों, AP का कोई भी सवाल अगर आपको लगाना है तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, आपको दो चीजें जरूर चाहिए, एक तो first term और दूसरा उसका common difference। अगर किसी सवाल में first term और common difference नहीं दिया है तो आपका सबसे पहला जो काम रहेगा ना उसको ही एज्यूम करना है, हर सवाल में यही काम करना है। बिना first term और common difference के आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एज्यूम द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो मान लेते हैं सवाल, देखो एपी है, एपी आ गया तो हम समझ लेंगे कि इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस माना, मान लेंगे। लेट अस कंसीडर द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज टी, मान लिया। अब इसका कह रहा है नाइन्थ टर्म, तो देखो पहले एन टर्म का फॉर्मूला लिख लो, ए एन टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? तो देखो बच्चों उस हिसाब से नाइन्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस नाइन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस एट डी। क्लियर? फिर इसमें और कौन से टर्म की बात कर रहा है, सेकेंड टर्म की बात कर रहा है, सेकेंड टर्म की बात कर रहा है, सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी ए प्लस डी, ये हमारा होगा सेकेंड टर्म। फिफ्थ टर्म की भी बात कर रहा है, फिफ्थ टर्म भी निकाल लो, क्या होगा, ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी, यानी ए प्लस फोर डी। तो याद रखना सबसे पहला हमने काम क्या किया, याद रखना सबसे बच्चों, सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट टर्म माना, फिर कॉमन डिफरेंस माना, ये आपको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद सवाल में जिन जिन भाई साहब की बात कर रहा था हमने उसको लिखा, नाइन टर्म की बात कर रहा था हमने नाइन टर्म निकाला, इसमें सेकेंड टर्म की बात कर रहा था हमने सेकेंड टर्म लिख लिया, फिफ्थ टर्म की बात कर रहा था और फिफ्थ टर्म लिख लिया। अब जो रिलेशन इनके बीच में आपसे बोल रहा है उन रिलेशन को एस्टेब्लिश करो। पहला क्या दिया है, कह रहा है कि जो नाइन्थ टर्म है वो सेकेंड टर्म का सिक्स टाइम्स है, सेकेंड टर्म का क्या है, सिक्स टाइम्स, सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइन टर्म लिखो बच्चों कितना है, ए प्लस एट डी, सिक्स इंटू सेकेंड टर्म कितना है, ए प्लस डी, सॉल्व कर लो, ए प्लस एट डी बराबर सिक्स ए प्लस सिक्स डी, या सिक्स ए में से ए माइनस करोगे तो फाइव ए, और सिक्स डी में से 8d माइनस करोगे तो होगा माइनस टू डी इज इक्वल टू जीरो, फाइव ए माइनस टू डी इक्वल टू जीरो हो गया। क्लियर है? तो ये आपका रिलेशन एक बना हुआ है, यहाँ से इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ये नंबर लो रिलेशन नंबर चार। फिर कह रहा है कि फिफ्थ टर्म इसका 22 है, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म कितना निकला है, a प्लस 4d निकला है, और ये कितना दिया है, 22 दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहां से आप वैल्यू निकालो, यहां से 2d की वैल्यू कितनी होगी, 5a, 2d की वैल्यू कितना निकाल लिया, 5 है, तो a प्लस 2 इंटू 2d बराबर 22,
दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस टू इंटू टू डी की वैल्यू कितना निकाला हमने, 5 है बराबर 22, ए प्लस 5 गुना 10 ए बराबर 22, 11 ए बराबर 22, तो ए का मान कितना आ गया 2। ए का मान हमने कितना निकाल लिया, 2 निकाल लिया। ए का मान कितना निकाल लिया बच्चों, 2 निकाल लिया। तो ए का मान 2 निकाल लिया तो डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है देखिए ध्यान से, तो 2d बराबर है 5 है, तो 2d बराबर 5 गुणे a का मान 2, तो d बराबर 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 5। यानी इस सवाल में a की वैल्यू हमारी 2 आ गई और d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। a की वैल्यू 2 आ गई और d की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई और d की वैल्यू 5 आ गई। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस को जोड़ो, सेकेंड टर्म इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ो, थर्ड टर्म इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ो, तो फोर्थ टर्म, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे सबसे पहले उसमें आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मानना है, जिन जिन टर्म्स की बात करेगा उनको आप पहले लिख लो, जिस तरह का रिलेशन कहेगा कि नौवा टर्म 5 गुना है, एक ज्यादा है, उस हिसाब से रिलेशन इस्टेब्लिश करो, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हमें वैल्यू किसका मिलेगा, ए का और डी का, उसको लिख करके हम जो कुछ भी चाहे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी के जैसा सवाल है। सबसे पहले हमने मान लिया फर्स्ट टर्म क्या, ए, कॉमन डिफरेंस डी, तो 16 टर्म की बात करेगा तो क्या होगा, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 15 डी, क्लियर। वन मोर देन ट्वाइस इट्स यर्थ टर्म की भी बात कर रहा है, यर्थ टर्म निकाल लो, यर्थ टर्म निकाल लो, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 7 डी, क्लियर है। 12वें टर्म के भी बारे में बात कर रहा है, 12वां टर्म निकाल लो, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 11 डी। अब रिलेशन इस्टेब्लिश करो, कहता है 16वां टर्म 8वें टर्म के दुगने से एक ज्यादा है, 16वां टर्म 8वें टर्म के ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो 8वें टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और एक ज्यादा कह रहा है, वन मोर कह रहा है, तो वन ऐड कर दिया। 16 टर्म हमने क्या निकाला है बच्चों, ए प्लस 15 डी, यर्थ टर्म क्या निकाला है, ए प्लस 7 डी प्लस 1, सॉल्व करते हैं, ए प्लस 15 डी बराबर 2a प्लस 14 डी प्लस 1, सॉल्व करिए, 2a में से a जाएगा कितना बचेगा a, 14 में से 15 जाएगा तो होगा माइनस d इक्वल टू माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगला देखिएगा, 12वां टर्म इसका दिया गया है कितना, 47, 12th टर्म आपने निकाला है कितना, a प्लस 11 d इक्वल टू 47, तो यहां से आप देखो a माइनस डी बराबर है माइनस 1, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस ये हो जाएगा प्लस, कट गया, 11 में एक जोड़ेंगे तो होगा 12 डी, ये हो गया 48, डी बराबर कितना आ गया 4, डी का मान 4, a माइनस डी इक्वल टू माइनस 1, a माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, a बराबर माइनस 1 प्लस 4, 4 में से एक जाएगा कितना होगा 3। तो हमने बच्चों यहाँ पे निकाला a का मान कितना 3, d का मान कितना निकाला 4, nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमको इसका nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म का हमने फॉर्मूला लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn बराबर a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है तो नहीं पता, n ही हमको nवां टर्म में निकालना है, d की वैल्यू रख देंगे 4, तो 3 प्लस 4n माइनस 4 या 4n माइनस 1, यानी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा nth टर्म होगा वो होगा आपका 4n माइनस 1, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4m स्क्वायर माइनस 1, देखिएगा बच्चों m टर्म्स का सम जो दिया है 4m स्क्वायर माइनस m, तो आप पहले इसका mवां टर्म निकालो। मैंने आपको बताया था कि n टर्म्स का सम अगर दिया होता है, n टर्म्स का सम अगर दिया होता है तो nवां टर्म निकालने का तरीका n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस कर देते हैं। तो यहां पर m टर्म्स का सम दिया है बच्चों,
तो हम इसका MOR टर्म निकालेंगे। कैसे, देखिएगा ध्यान से, m टर्म्स के सम में से m माइनस वन टर्म्स का सम माइनस कर देंगे, तो टी एम बराबर, m टर्म्स का सम दिया है 4m² माइनस वन माइनस, अब हम क्या करते हैं, m की जगह पर m माइनस वन रख देंगे, तो हमें इसका m माइनस वन टर्म्स का सम मिल जाता है डायरेक्टली, और ये आपको याद रखना है 4m² माइनस m माइनस 4 × तोड़ो m² प्लस 1 माइनस 2m माइनस m प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 4m² माइनस m माइनस ब्रैकेट डायरेक्ट में तोड़ रहा हूँ 4m² माइनस 4 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 × 8m और माइनस माइनस प्लस m माइनस 1, 4m² से 4m² कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, ये बचेगा 8m माइनस 5, यानी कि इस टर्म का जो अर्थ जो ये हमारा जो सीरीज है इसका हमारा MOR टर्म एक बार मिला लेते हैं। देखिए m टर्म्स हमारा ये था m माइनस वन 4 × m माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस m माइनस वन 4 × m² प्लस 1 माइनस 2m माइनस m, ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है ब्रैकेट तोड़ दिया, तो माइनस माइनस प्लस प्लस और ये माइनस, ठीक है 4m² से 4m² कैंसिल, माइनस m से m कैंसिल, माइनस 4 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो होगा माइनस 5 और ये हो गया 8m, क्लियर है। अच्छा अब यमवा टर्म देखो बच्चों, यमवा टर्म अगर 8m माइनस 5 है और कोई आपसे पूछेगा कि एनवा टर्म क्या होगा, याद रखना है बच्चों कि अगर एमवा टर्म हमें पता है और एनवा टर्म पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें m की जगह पर n रख दो, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8n माइनस 5, m टर्म का सम ये, तो n टर्म का सम हम m की जगह पे क्या रख देंगे, इसमें n रख देंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म एनवा टर्म 107 है, एनवा टर्म कितना है 107 है, आपने क्या निकाला एनवा टर्म 8n माइनस 5 का मान कितना हो गया 107, 8n बराबर 112 जोड़ देंगे, n बराबर 112 बटे 8, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, n का मान कितना आ गया 14 आ गया, कितना आ गया 14 आ गया। अच्छा एनवा टर्म हमें पता है 8n माइनस 5 है, आपसे पूछ रहा है कि इसका 21st टर्म कितना होगा, तो n की जगह पे कितना रख देना है 21, n की जगह पे कितना रखना है 21। देखो बच्चों किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर nth टर्म हमें पता है और हमसे उसका कुछ भी टर्म पूछे, दादा टर्म मामा टर्म, तो क्या करेंगे n की जगह पे वो वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे, है ना, तो n इज इक्वल टू इसमें क्या रख देंगे 14 रख देंगे, तो 8 × 14 माइनस 5 यानी कि 8 × 4 = 32 का 2 हाथ में आया 3, 8 × 8 = 3 = 11, 112 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 107, क्लियर है 107, यानी कि इसका 21वां टर्म होगा कितना होगा 107वां, 107 जो ही है वही इसका 21वां टर्म आपका होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। देखो बच्चों 500 और 900 के बीच में 7 के जितने भी मल्टीपल हैं उनका आपको सम निकालना है, 500 और 700 के बीच में जितने भी आपके 7 के मल्टीपल हैं उसको उनका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या काम करोगे आप, देखो क्या 500 7 से डिवाइड होगा तो आप 749 नहीं कटेगा, 501 कटेगा तो 749 ये भी नहीं कटेगा, और तो एक यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे 504 देखिएगा, 504 कटेगा तो 749 और 7 × 7, यानी कि 500 के बाद हमारा 504 जो है ये पहला नंबर है, पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर है। अच्छा अब लास्ट में आ जाओ, अगला नंबर कौन सा डिवाइड होगा, तो ये आपका होगा इसमें 7 ऐड कर देंगे कितना होगा 511 हो जाएगा, 511 हो जाएगा, ठीक है। इसके अगला नंबर कौन सा 7 से डिवाइड होगा तो 518 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब लास्ट में आ 900, क्या 900 7 से डिवाइड होगा, तो आप डिवाइड करके देख लो 7 × 7 200, 7 × 2 = 14, 600 नहीं डिवाइड होगा, कम कर लो, देखो इसके बाद से आप आ जाओ 899, 899 उसके बाद से
क्या ये 7 से डिवाइड होगा? तो आपको ये सोचना है कि लास्ट नंबर वो कौन सा होगा जो आपका इसमें 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि तो आपको जो नंबर निकालना है वो बिटवीन 500 टू क्या निकालना है, ये आपका निकालना है 900। तो चलिए इसमें इसको इसके बारे में विचार करते हैं। तो देखो 7 एकम 7, 1 9 बचेगा यहाँ पे, 7 दूनी 14, 5 9 ये नहीं कटेगा। अच्छा थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 896 पर विचार करते हैं, देखते हैं। तो 7 एकम 7 ठीक है, 1 9, 7 दूनी 14, 5 7 बटे 56 यानी कि लास्ट नंबर जो हमारा होगा वो 896 होगा, जो हमारा 7 से डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर है? 7 से डिवाइड हो जा रहा है यानी कि 7 का जो मल्टीपल होगा बिटवीन 500 और 900 वो शुरू होगा 504 से और समाप्त होगा 896 से। 896 से, समझ में आ रहा है? 896 से। चलिए तो अब देखो यहां पे ध्यान से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कितने नंबर हैं आपके, कितने नंबर 504 और 894 के बीच में होगा। तो हम मान लेंगे लेट अस कंसीडर देयर आर एन नंबर्स बिटवीन 500 एंड 900 विच आर डिविजिबल बाय 7। क्लियर है? तो इसका जो एनुआ टर्म होगा, एनुआ टर्म होगा वो हमारे कितना होगा, 896 यानी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 896। समझ में आ रहा है? हमने मान लिया कि इसका फर्स्ट टर्म हमारा a है, कॉमन डिफरेंस हमारा d है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 504 प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान कितना है, 7 का मल्टीपल है तो 7 लिखेंगे, 896 एन माइनस वन इंटू सेवन बराबर 896 माइनस 504 एन माइनस वन इंटू सेवन बराबर 6 में से 4 जाएगा 2, यह बचेगा 9, 8 में से 5 जाएगा 3, 7 से काटिएगा तो 7 5 35 ठीक है, 7 6 42 एन इक्वल टू कितना होगा 56 प्लस 1 57 यानी कि 500 से लेकर के 900 के बीच में कुल ऐसे 57 टर्म्स हैं जो आपके 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। अब हमको इसका सम निकालना है, तो आपको पता नहीं है 57 टर्म्स का सम निकालना है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर आपको पता है तो उसके सम का होता है जो फॉर्मूला एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। क्लियर है? यहाँ पे n की वैल्यू बच्चों कितना आया है, 57 बाई 2, a हमारा फर्स्ट टर्म में कितना है, 504 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 504 प्लस l की वैल्यू हमारी कितनी है, तो l की वैल्यू हमारा है 896। क्लियर है? 57 बाई 2 बराबर ऐड कर दो, 6 4 10 का 0 हाथ में आया 1, 9 1 10 0 हाथ में आया 1, 8 1 9 5 14 1400 या काटोगे तो होगा 700, मल्टीप्लाई कर दीजिए 749 का 9 हाथ में 4, 7 5 35 4 39 39,900 यानी कि द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900 इज 39,900। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत शानदार सवाल है, याद रखना बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एमवा टर्म दिया है 1/n, एनवा टर्म दिया है 1/m, तो आपको दिखाना है कि उसके यमयन टर्म्स का जो सम है वो 1/2 इंटू यमयन प्लस 1 है। क्लियर है? याद रखना है कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अगर फर्स्ट टर्म नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो एज्यूम कर लेंगे, तो मानेंगे लेट अस कंसीडर द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, डी है, तो टी एम बराबर क्या होगा, 1/n। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n। Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन, तो Tm बराबर क्या होगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n, इक्वेशन नंबर 1। देखिए फिर अगेन Tn बराबर है 1/m, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई एम इक्वेशन नंबर टू। हमेशा याद रखना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मैक्सिमम सवालों में अगर आपको फर्स्ट सम और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो जो आप इक्वेशन बनाओगे उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करोगे ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये होगा एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन बाई एन माइनस वन बाई एम। दिस इंप्लाइज दैट वन से वन कैंसिल कर दो, एम माइनस एन इंटू डी बराबर एम माइनस एन बटा एम एन। एम माइनस एन से माइनस कितना आ गया? वन बटा एम एन, ठीक है। आपको एम एन टर्म्स का सम अगर निकालना है तो दो चीजें आपको चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो इसका फर्स्ट टर्म चाहिए और उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्लियर है। तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया बच्चों, अब फर्स्ट टर्म निकाल लो। लिखेंगे फ्रॉम वन ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना है बच्चों? एक बटा एन है। हमने डी निकाल लिया, एक बटा एम एन निकाल लिया है ना बच्चों। ए प्लस एम माइनस वन डी की वैल्यू हम रखेंगे एक बटा एम एन बराबर वन बटा एन। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस एम में वन बटा एन का मल्टीप्लाई करोगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? वन बाई एन माइनस एक बटा एम एन बराबर वन बटा एन। वन बटा एन से वन बटा एन कैंसिल हो गया, ए का मान कितना आ गया? एक बटा एम एन आ गया। तो इन दिस वे आप देखो बच्चों कि यहां पर आपने ए की वैल्यू निकाला एक बटा एम एन, डी की वैल्यू निकाला एक बटा एम एन, और इसकी मदद से आपको एम एन टर्म का सम निकालना है। याद रखना हमको एम एनवा टर्म नहीं निकालना है, हमको एम एन टर्म का सम निकालना है। देखो तो एम एन टर्म का सम आपके हिसाब से क्या होता है? एम एन, देखो यहां से इसको पहले और थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो देखो सबसे पहले जब आपको कंफ्यूजन होना बच्चों, पहले फॉर्मूला लिखो। एन टर्म का सम होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हमको एम एन टर्म का सम निकालना है तो एन की जगह पे क्या रखेंगे? एम एन रखेंगे। तो ये होगा एम एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर है। तो एम एन बाई टू टू इंटू ए, ए की वैल्यू एक बटा एम एन, एम एन माइनस वन डी की वैल्यू एक बटा एम एन, वैल्यू पुट कर दिया। एम एन बाई टू इंटू टू बटा एम एन प्लस मल्टीप्लाई करोगे एम एन बटा वन, एम एन कट जाएगा, कितना आएगा? वन माइनस एक बटा एम एन, ब्रैकेट क्लोज कर दो। एम एन बाई टू दो बटा एम एन में से एक बटा एम एन घटेगा तो कितना बचेगा? एक बटा एम एन प्लस वन। सॉल्व करते हैं, एम एन बटा दो इंटू वन प्लस एम एन बटा एम एन, समझ में आ रहा है? ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इसे कैंसिल कर दिया, कितना आएगा? वन बाई टू इंटू एम एन प्लस वन। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। इन दिस वे वी कैन से दैट कि द सम ऑफ एम एन टर्म्स इज वन बाई टू इंटू एम एन प्लस वन, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसके जैसे और भी क्वेश्चन हैं, आपको उन सबकी प्रैक्टिस करना है, लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देख लो, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं अगला का। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज एन, क्या कह रहा है कि इसमें फर्स्ट एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज एन है और एक थोड़ा छूट गया है एंड एंड सम ऑफ एन टर्म्स इज एम। कहता है कि किसी क्वेश्चन में एन टर्म्स का सम दिया है एन, एन टर्म्स का सम दिया है एम, क्लियर। एन टर्म्स का सम दिया है एन और एन टर्म्स का सम दिया है एम, तो आपको ये दिखाना है कि इसके एम प्लस एन टर्म्स का सम कितना है माइनस एम प्लस एन। मुझे लगता है वो क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर है। अच्छा मैंने आपको बताया कि कोई भी सवाल अगर हमको लगाना है तो उसका हम खाका कैसे खींचेंगे। सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्लियर है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें इस सवाल में नहीं पता है तो मानो पहले सबसे पहले मानेंगे लेट अस कंसीडर द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है।
तो यम टर्म्स का सम कितना दिया है एन, यानी एसयम इक्वल टू एन। दिस इंप्लाइज दैट यम बाई टू इंटू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एम, इक्वेशन नंबर वन। क्लियर, सॉरी एन है, माफ करिएगा। क्लियर, अच्छा फिर देखो एस एन इक्वल टू दिया है एम, दिस इंप्लाइज दैट एन बाई टू इंटू, ये टू ए है, माफ करिएगा टू ए है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एम, इक्वेशन नंबर टू। क्लियर, अब एक काम करो कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो कर लो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई करोगे तो होगा पहला ए एम प्लस यम इंटू एम माइनस वन बाई टू इंटू डी बराबर एन। ठीक है, एक काम करो आप दो को इधर भेज दो, सबसे आसान आपका सवाल लगाने में आसानी रहेगी। एक मिनट रुक जाइए, हम क्या करते हैं दो को उधर भेज दिया और यम का मल्टीप्लाई कर दिया, टू ए एम प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी बराबर टू एन, और नीचे वाले में भी हमने वही काम किया, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2an प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू डी बराबर ये आपका कितना होगा 2m। अब इन दोनों को माइनस कर दो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो क्या होगा, यहां से 2a कॉमन होगा बचेगा m माइनस n, नीचे से क्या कॉमन होगा d कॉमन होगा, ब्रैकेट लगा देते हैं m इंटू एम माइनस वन माइनस एन इंटू एन माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। राइट साइड में दो कॉमन हो गया, क्या बचेगा एन माइनस एन। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, देखो ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, तो टू ए एम माइनस एन प्लस डी, यहां से सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस एन, ब्रैकेट क्लोज, टू इंटू एन माइनस एन। क्लियर, टू ए एम माइनस एन प्लस डी इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एक साथ कर दो, क्या होगा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों को एक साथ करोगे माइनस कॉमन होगा, क्या बचेगा एम माइनस एन, ब्रैकेट क्लोज, टू इंटू एन माइनस एन। ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल से स्टेप से बहुत कठिन चीज नहीं है। ठीक है, टू ए एम माइनस एन प्लस डी इंटू, यहां देखो एम माइनस एन यहां पर भी है, एम माइनस एन यहां पर भी है, दोनों जगह से एम माइनस एन कॉमन कर दो, यहां क्या बचेगा एम प्लस एन, यहां क्या बचा आपका माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज, टू इंटू। अच्छा अब इसमें राइट साइड में भी एक काम कर लो बच्चों, राइट साइड में काम ये करना है ना कि आप इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये एम माइनस एन है, ये एम माइनस एन है, लेकिन यहां पर ये क्या है एन माइनस एम है, तो यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो होगा टू इंटू एम माइनस एन। अब इसका फायदा क्या हुआ, एम माइनस एन कॉमन लेकर इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो क्या होगा आपका टू ए प्लस डी इंटू एम प्लस माइनस वन बराबर आपका आ गया माइनस टू। यानी इक्वेशन में अगर कहीं किसी जगह पर बच्चों अगर हमारा ये रिलेशन आता है क्या 2a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन, तो उसकी जगह पर हम आंख बंद करके क्या रखेंगे माइनस टू, और हम कोशिश करेंगे कि इसका इस्तेमाल हम रिजल्ट को निकालने में कर सकें। हमें क्या दिखाना है हमें निकालना है m प्लस n टर्म्स का सम, तो हिसाब से समझो n टर्म्स का सम क्या होगा, n टर्म्स का सम अगर आप निकालते तो क्या लिखते n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, तो अगर एम प्लस एन टर्म का सम आप निकालोगे तो एम प्लस एन बाई टू टू ए एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान से देखो क्या आपको ये रिजल्ट नजर आ रहा है, कहीं ये रिजल्ट आपको कहीं नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम है, तो इसका मतलब कि हम 2a प्लस d इंटू एम प्लस एन माइनस वन की जगह पे क्या रख सकते हैं माइनस टू रख सकते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे माइनस टू रख देंगे m प्लस एन बाई टू इंटू माइनस टू, टू से टू कैंसिल हो गया, क्या आ गया
माइनस एम प्लस एन इज इक्वल टू। इस तरीके से हमने क्या किया, एम प्लस एन टर्म का सम कितना निकाल लिया, माइनस एम प्लस एन निकाल लिया। तो ऐसे जो भी सवाल होंगे बच्चों, पहले हमें फर्स्ट टर्म मानना होगा, कॉमन डिफरेंस मानना होगा, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई रिलेशन इस तरीके का मिल जाएगा, ठीक है। और जब सम दिया रहेगा तो रिलेशन की मदद से रिजल्ट को निकालना होगा, और जब टर्म्स दिया रहेगा तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और डी की वैल्यू को निकालेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, क्वेश्चन लंबे जरूर रहेंगे, लेकिन याद रखना कि उनका पैटर्न ऐसा रहेगा कि उनसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। जैसे देखो ध्यान से, कुछ पुरस्कार हैं, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन सेवन कैश प्राइजेस, सात प्राइज बांटना है। तो मान लो पहले को कुछ और प्राइज दिया, दूसरे को दिया, कुछ तीसरे को दिया, कुछ चौथे को दिया, कुछ पांचवे को दिया, कुछ छठवे को दिया, कुछ सातवें को दिया, लेकिन सबको मिला करके कितना रुपया दिया, 700 रुपया दिया, क्लियर है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइज। अच्छा, ये सवाल अगर फूलों का रहता, गार्डनिंग का रहता, और भी कोई सवाल रहता तो वैसे ही मानते, हम पहले वाले को मानते, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए कहता तो जोड़ते हुए जाते हैं, डिक्रीजिंग के लिए कहता तो घटाते हुए जाता है, समझ पा रहा है। तो कह रहा है कि हर प्राइज 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है, यानी कि मान लिया, लेट बी द फर्स्ट प्राइज इज ए, तो सेकेंड प्राइज क्या होगा, इससे 20 कम होगा, इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, माइनस 20 नहीं। जैसे देखो, पहला प्राइज अगर 100 रुपया है, दूसरा प्राइज 80 रुपया होगा, और तीसरा प्राइज से और कम होगा 20 रुपया, यानी कि 60 रुपया होगा। तो यहाँ डी कितना आ रहा है, माइनस 20। डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसका मतलब कि हमने मान लिया कि फर्स्ट प्राइज हमारा क्या है, ए है, तो इस सवाल के हिसाब से 20 रुपया हर कम है अगला वैल्यू, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस डी, और सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 700। यानी कि देखो ध्यान से, एस सेवन इक्वल टू कितना है, 700। एस सेवन मतलब 7/2, ए प्लस 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर कितना आ गया आपका, 700। 7/2 इंटू 2 इंटू ए, ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, 7 में से एक जगह 6 है, डी की वैल्यू हमें यहाँ पे देखो, डी की वैल्यू कितना है, -20। डी की वैल्यू इस सवाल में पता है कितना है, -20, ठीक है। यहाँ निकाल लीजिए आपका 2a माइनस 120 बराबर 700 गुणे 2/7, 7/2 को इधर भेज दिया हमने दूसरे साइड में, उलट के मल्टीप्लाई होगा 100, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 2a माइनस 120 बराबर 100 गुणे 2, 200, तो 2a बराबर 200 धन 120, ए बराबर कितना होगा, 320/2 कितना आएगा, 160 रुपया। यानी कि पहला जो आदमी है, फर्स्ट प्राइस जो है, वो कितना मिल रहा है उसको, पहले आदमी को प्राइस कितना मिल रहा है, 160 रुपया, क्लियर है। पहले आदमी को प्राइस कितना मिल रहा है, T1 को कितना मिल रहा है, 160, तो T2 को कितना मिलेगा, उससे 20 कम, यानी कि 140। तीसरे को कितना मिलेगा, उससे 20 रुपया और कम मिलेगा, 120। चौथे को कितना मिलेगा, 100 रुपया। इस तरीके से सातों के प्राइस को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और इन दिस वे हमारा यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है समाप्त होता है। आप क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंप्लीट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वन क्लास कोशिश किया गया है कि जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो तरीका हो सकता था उसको आपको बता दिया जाए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।